चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है टाइप नंबर 2 साझा का, कि जब समान पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाया जाए, मतलब कि पूंजी समान होगी परंतु समय अलग अलग होगा। दिया है क्वेश्चन के रूप में कि दो व्यक्तियों ने साझे के एक व्यापार में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, यदि दोनों ने समान पूंजियाँ लगाया। तो देखिए, समान पूंजियाँ लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अर्थ नहीं। अतः ये पहला व्यक्ति कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, दूसरा व्यक्ति कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, इसी को हम अनुपात बनाएंगे, क्योंकि पूंजियाँ इनकी क्या है, समान है। यदि x मानेंगे तो दोनों में से x हट नहीं जाएगा क्योंकि अनुपात है। और दिया है, इस अनुपात में दिया है और कह रहा है कि कितना रुपया मिला है, 1,60,000 रुपया मिला है। तो पूछ रहा है कि दूसरे व्यक्ति मतलब 5 अनुपात वाला को कितना मिले, 5 वर्ष वाले को। तो अनुपात बटा अनुपातिक योग मतलब 8 × 1,60,000, ठीक है। अब यहाँ से कटा देंगे, 8 × 16 और ये हो जाएगा 5 × 10 और 4 0 उसी प्रकार से उतर जाएगा, मतलब कितना हो गया, 1,00,000 रुपया, यही इसका क्या होगा। चलिए देखिए, उस पर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राम और रहीम ने एक पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें राम की पूंजी प्रारंभ की 8 महीने, मतलब कि राम ने कुल कितने महीने लगाया, 8 महीने और प्रारंभ के 8 महीने, तथा रहीम की पूंजी बाद के 6 महीने, मतलब कि इसके बाद के 6 महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, परंतु उसने ये नहीं दिया गया है, ये डायरेक्ट ये साल के रूप में नहीं महीने के रूप में दिया गया है, तो बाद के 6 महीने। अब जितने महीने ये लगाए हैं इनको अनुपात में लगा दें। और कह रहा है कि यदि कुल लाभ इतने के लिए, मतलब 42,000 का लाभ हुआ हो, तो राम को कितना रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले इसको अनुपात से हैं तो हमें पूर्ण रूप से हमें बदलना पड़ेगा। ये हो गया इसका, पूछा गया है राम, राम पहला वाला है और रहीम दूसरा वाला है। राम के लिए पूछा गया है तो अनुपात बटा अनुपाति की योग 7, कुल कितना है 42,000, 7 में कर देंगे तो 6 बार में यह 6,000 हो जाएगा और 6 से जब 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और ये क्या हो जाएगा, 24,000 रुपया, यही इसको उत्तर होगा। चलिए देखिए, हाँ दिया गया है, सीता और गीता ने समान पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया और यदि सीता ने 5 महीने, सीता ने ये कुछ भी नहीं है, 5 महीने के लिए और उसके बाद गीता 7 महीने के लिए पूंजी लगाया, तो उनका अनुपात 5:7 ही होगा और ये कितना रुपया उनको लाभ के रूप में प्राप्त हुआ है, 1,20,000। पूछा गया है किसका, गीता का, तो पहले सीता दिया है तो पहले का सीता होगा, दूसरे के लिए गीता होगा। तो गीता के जब हम निकालेंगे तो अनुपात बटा अनुपातिक योग, मतलब कि दोनों का योग, ये अनुपात हो गया और दोनों का योग नीचे, इससे कहते हैं अनुपात बटा अनुपातिक योग, और ये हो गया 1,20,000। ये कट जाएगा एक बार में, मतलब कि 10,000 और 7 से जब गुणा करेंगे 70,000, यही इसका क्या होगा उत्तर।